बड़ा किरदार है मेरे लिए। जैसे कि हम सबको पता है, राधा जी को हम कृष्ण के साथ ही पूछते हैं, तो राधा कृष्ण के बिना अधूरी है, कृष्ण राधा के बिना अधूरी है। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे राधा का किरदार निभाने मिल रहा है। आई एम वेरी लकी ऑल्सो। सो बस यही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, ये सब सारी टीम मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम ये शो के लिए। सो आप सबका प्यार हमें चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैतन्य महाप्रभु जी से, अमित बहल जी। महाप्रभु जी, कृष्ण भगवान जी को ढूंढते ढूंढते आप कहां पहुंच चुके हैं बताइए, और अपने इस किरदार के बारे में प्रेस को क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ गई अभी? अपने प्रिय गोपाल को ढूंढते ढूंढते ब्रजभूमि तक तो पहुंच गए चैतन्य, बहुत कठिनाइयाँ झेलते झेलते, लेकिन इन कठिनाइयों का इतना आभास नहीं हुआ क्योंकि प्रभु ने अपने भक्त को भक्ति में लीन हो से देख कुछ ऐसे चमत्कार किए जिसकी वजह से जो कठिनाइयाँ दर्शकों को दिखेंगी लेकिन शायद चैतन्य को अभी तक दिखी नहीं है कि भक्ति में लीन। और ये किरदार करने का मुझे जो सौभाग्य मिला है तो मैं इसके लिए चैनल को, जैनाथ को, शांतनु को, प्रिंस पांडे जी को, क्योंकि एक ड्रीम रोल है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, लेकिन नाम पर चैतन्य पूर्णिमा भी होती है, और ये कैरेक्टर अगर मैं इसको जस्टिस दे पाऊँ तो मेरे लिए बाकी मुझे लगेगा कि मुझे गोपाल का एक 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 थोड़ा सा अंश मिला है, बस उतना कहना चाहूँगा। वेरी नाइस। मैं पंकज बेरी जी से रिक्वेस्ट करूँगा। पंकज जी, अपने बारे में, आपका जो किरदार है इसके बारे में बताइए। तेनाली राम में आपने इनके साथ काम किया पहले, और इस शो में आप हैं, वैसा ही लुक लग रहा है, लेकिन आपने आज पगड़ी पहनी हुई है, तो अपने किरदार के बारे में बताइए। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सब आए, थैंक यू वेरी मच। आप सबका आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहा, सालों साल से मिल रहा है, मैंने तो गिनने भी बंद कर दिए साल अभी, तो आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार हमेशा मिलता रहेगा। जिस तरीके से आपने पिछले कामों को सराहा है, आप ऐसे ही हमारे इस पूरी टीम के काम को सराहेंगे। मैंने जैसा हिमांशु जी ने कहा, मैंने शांतनु जी के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, लंबा काम किया तेनालीरामा में, वो उन्हीं की, जिसको कहते हैं उन्हीं का बेबी था, ये भी उन्हीं का बेबी है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? कट रही है, बड़ी मेहनत से कट रही है। हेलो हेलो माइक चेंज करो। हेलो हेलो, हाँ जी। तो बहुत लगन मेहनत के साथ इस शो को शांतनु जी ने लिखा है, और एक बार फिर से मुझे एक डिफरेंट किरदार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये शो का खलनायक है, ज्ञानधर इसका नाम है, और इसकी जो परतें हैं मैं अभी आप सबके सामने नहीं कहूँगा, क्योंकि वो परत दर परत जब चीज़ें खुलेंगी तो आपको उसको देखने का आनंद आएगा। और मैं हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर सब पूरी टीम को देना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल, और पूरी पूरी आशा है कि ये शो सक्सेसफुल होगा, दंगल और आगे बढ़ेगा, पूरी टीम और आगे बढ़ेगी, पूरी टीम और मेहनत करेगी और आपको एंटरटेन करेगी। थैंक यू वेरी मच। तो निमे पाले जी को कोटि कोटि प्रणाम, और आप बताइए सर अपने किरदार के बारे में। बड़ा कमाल का किरदार है ये, मतलब जो आपने सर निमाय वाली बात देखा होगा, पिछला जो भी काम किया इसमें मैं वो नजर नहीं आऊँगा, ये कुछ अलग है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने कास्ट किया मेरे को इसमें और ये मेरा सौभाग्य है कि इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब हम तो उस जमाने से हैं जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, करेक्ट?
तब से लेके अब तक ये जर्नी चली आ रही है. थैंक गॉड एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. आई रिक्वेस्ट गुलफाम जी से रिक्वेस्ट करूँगा. गुलफाम खान जी अपने किरदार के बारे में बताइए. तो किरदार के बारे में क्या पूछ रहे हैं हिमांशु? जब भी मुझे देखते हैं देते हैं कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर्स दे देते हैं. तो इसमें भी बड़ी ही बड़ी बुरी बीवी और बड़ा बुरा किरदार और बड़ी बुराइयों वाला किरदार कर रही हूँ हमेशा की तरह. पर इसमें एक अच्छी बात है, बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं कैरेक्टर में. और सबसे अच्छी बात ये है कि जो गोपाल का कैरेक्टर है पारस, उनके साथ एक तो उनके साथ और अमित बहुत वर्षों से जानते हैं भाई, सो उनके साथ एंड पंकज जी भाई जैसे हैं, ये तो भाई ही हैं, इनको गोद ले लिया हमने भाई बना के बहुत सालों पहले. सो ऐसे लोगों को जानना. और दो दिन पहले मैं मिली हूँ हमारी रेशम जी से, जिनसे मोहब्बत हो गई देखते ही. सो अ ब्यूटिफुल वुमन हूम आई वॉन्टेड टू वर्क विद ऑलवेज. एंड आज मैं मिली हूँ मनुल से. सो ऐसी कास्ट के साथ काम करना वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो किरदार जो है उसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रही हूँ और चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये तो आप लोग देखेंगे. अगर मैंने पहले ही पर्दे खोल दी तो फिर देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं. सो अ वुमन एंड अ कैरेक्टर शुड ऑलवेज बी मिस्टिकल एंड हेंस आई एम नॉट टेलिंग मच अबाउट द कैरेक्टर. बट ये शो देखेगा ज़रूर, मुझे तो सुपर हिट दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखेगा और आप ही बनाएंगे. थैंक यू. माय रिक्वेस्ट रेशम फिटनेस जी को वो आए और अपने किरदार के बारे में बताएं हमारे प्रेस को. और जब तक हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबको तब तक हमारे गोपाल आ जाएंगे हमारी पुकार सुन के. हाय फ्रेंड्स, मेरे किरदार के बारे में बस मैं यही बताना चाहूंगी कि मेरे किरदार का नाम मालती है. एंड शी अगर आप अगर मुझे कुछ कहना होगा तो इस कैरेक्टर में आपको यशोदा ज़रूर दिखाई देगी, बिकॉज दिस कैरेक्टर इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू यशोदा. जो अपने जो ब्रिज के गोपाल हैं वो इस कैरेक्टर को मैया बुलाते हैं. एंड इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर जैसे मैं हूँ. और इन दोनों में जैसे कान्हा और यशोदा में जैसे प्रेम था, जैसे नोक झोंक था, वैसे ही आपको इस सीरियल में दिखाई देंगे. एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर एंड विच आई एम. सो आई होप यू लाइक इट और आपको मजा आएगा. और आई एम कॉन्फिडेंटली मैं कह सकती हूँ कि ये सीरियल बहुत लंबा चलने वाला है. गणपति बप्पा.